असलकम कैसे हैं आप सब आई हो क्या आप सब ठीक होंगे तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेलिटीज। तो जो हमारी क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स की बुक है इसका चैप्टर नंबर सेवन जो है आज इसकी हम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन इन शह क्वेश्चन नंबर वन आपके साथ इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो क्वेश्चन है पहला कि फाइंड द सोल्यूशन सेट्स क्वेश्चन जो है फाइंड द सोल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंगवेस एंड वेरीफाई द आंसर यानी हमने पहले इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है उसके बाद आंसर को वेरीफाई भी करना है तो क्वेश्चन नंबर वन का जो हमारे पास पहला पार्ट है यहाँ पर पहला पार्ट में इसका लिख लेती हूँ तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है फाइव एक्स प्लस एट इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना है कि 5x एक्स प्लस एट इज इक्वल टू ट्वेंटी ये क्वेश्चन यानी सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन ही दोबारा उतार लेना है क्वेश्चन दोबारा उतारने के बाद इसके दो मेथड है एक तो ये मेथड है कि आप प्लस एट के दोनों साइडों से यानी इसमें जो है सब कर लें अब एक कांस्टेंट नंबर यहां पर जो है वो एट है आप एट को इसमें इस, इस साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी सब्ट्रैक्ट कर लें ये मेसी मेथड से आपको करवा देती हूं यानी फाइव एक्स प्लस एट तो यहां पर हम माइनस एट कर लेंगे ट्वेंटी थ्री माइनस एट तो यहां पर साइड पे हम लिख सकते हैं सबट्रैक्ट बोथ साइड्स एट यानी दोनों साइडों पे एट को सब्ट्रैक्ट कर लिया अब फाइव एक्स प्लस एट एट यहाँ पर एट प्लस एट और ये माइनस एट ये तो हो जाएंगे यहाँ से क्रॉस यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा फाइव एक्स ये क्रॉस हो गया इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री में से हमने एट को माइनस किया तो हमारे पास बच जाते हैं फिफ्टीन तो उसके बाद हमने क्या करना है कि फाइव एक्स इज़ इक्ल टू फिफ्टीनि असल में हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे एक्स के साथ जो भी नंबर हमारे पास होगा हम उसको दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे और यहां पर लिख देंगे डिवाइडेड बाय फाइव यानी इधर भी हम फाइव एक्स के साथ फाइव फाइव को डिवाइड करते हैं और इधर भी हम फाइव को डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर ये वाला फाइव जो है फाइव से क्रॉस हो जाएगा फाइव वन इज फाइव और फाइव थ्री इज आर फिफ्टीन तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा थ्री ये हमारे पास है इसका सोल्यूशन यानी यही हमारे पास इसका एक्स की वैल्यू का एक्स हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है थ्री उसके बाद हम क्या करते हैं वेरिफिकेशन यहां पर हम वेरीफाई करते हैं क्या है? जो हम एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है थ्री उसे अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो क्या हमारा आंसर ठीक आता है इन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं तो यहां पर हम क्या करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री एन इसको जिस तरह से हम यहाँ पर वन का नाम दे देते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन वन यानी पहली इक्वेशन में हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू को पोट कर लेते हैं तो इक्वेशन जो है हमारे पास है फाइव एक्स प्लस एट इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री एक्स की जगह एक्स की जगह हम फाइव सॉरी थ्री को पोट करते हैं एक्स की जगह हमने थ्री लिख लिया प्लस एट इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री फाइव थ्री इज फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस एट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री फिफ्टीन और एट को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की यानी हमारी वेरिफिकेशन भी बिल्कुल सही है हमने जब एक्स की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है अब उसके बाद जो हमारा इसी का सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का ये है थ्री आपको मैं डायरेक्ट मेथड से करवाती हूँ यहाँ पर हमने माइनस एट इधर भी माइनस किया था यानी इस साइड पे भी एट को माइनस किया था और इस साइड पे भी 8 को माइनस किया था जो कांस्टेंट नंबर अगर प्लस है उसका अपोजिट यानी हम माइनस लिख लेंगे उसका यहाँ पर इस तरह हम, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट करवाने का एक मेथड सिखा देती हूँ थ्री बाई फाइव एक्स यहाँ पर हमारे पास माइनस टू बाई थ्री है हम इधर इक्वलिटी का निशान डाल लेते हैं ये वाला टू अपनी जगह पे उसी तरह आ जाएगा इस साइड पे हमारे पास माइनस टू बाई थ्री है दूसरी साइड पे इक्वेलिटी की दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा प्लस टू बाई थ्री ये भी मेथड बिल्कुल सही है और इजी मेथड है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री बाई फाइव x इज इक्वल टू 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 के नीचे अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारे पास टू के नीचे जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं वन को हमने यहाँ पर हम वन ले लेते हैं वन और थ्री कैल्शियम अगर हम लें तो हमारे पास थ्री आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं वन को भी थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रूल के मुताबिक ऊपर वाला नंबर भी थ्री से मल्टीप्लाई होता है तो टू थ्री इजार हो जाएगा सिक्स सिक्स बाय थ्री प्लस टू बाई थ्री हम इसे फिर किस तरह से लिखेंगे थ्री बाई फाइव एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू बाई थ्री ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सिक्स और टू एट एट बाय थ्री अब एट बाई थ्री अब एक्स के साथ हमारे पास नंबर है यहां पर थ्री बाई फाइव यानी हमने एक्स को बिल्कुल अकेला करना है यहाँ पर हमने एक्स के साथ से थ्री बाई फाइव को ख़त्म करना है तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं जो डिवाइड हो रही होती उसको है उसको मल्टीप्लाई जो चीज़ यहाँ पर प्लस हो रही हो हम उसे दूसरी साइड पर माइनस कर देते हैं और अगर माइनस हो रही हो तो हम उसे प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर हमने ये चीज़ जिस तरह जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसे डिवाइड कर देंगे थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे सिंपल इसे हम क्या करेंगे यानी फाइव बाई थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री बाई फाइफ इस साइड पे भी फाइव बाई थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी साइड पे भी एट बाई थ्री के साथ भी फाइव बाई थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास 5, 5 से कट जाएगा 3, ये 3 से कट जाएगा यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्स रह जाएगा अब अगर कोई कटिंग होती हो मल्टीप्लीकेशन में कटिंग होती है प्लस और माइनस में एल्सियम लिया जाता है तो एट फाइव फोर्टी फोर्टी बाय थ्री तो यही फोर्टी बाय सॉरी थ्री थ्री इज़ आर नाइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एट फाइवर फोर्टी और फोर्टी बाय थ्री थ्री इज आर नाइन तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट है अगर हम चाहें तो हम एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करके फोर्टी बाय नाइन तो हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ आपने वेरीफिकेशन कर लेनी है अगर ना हो तो मैं वो भी करवा दूंगी क्वेश्चन तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो है हमारे पास सिक्स एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू टू एक्स प्लस नाइन इसे सॉल्व करने को उसी मेथड से करते हैं यहाँ पर माइनस फाइव सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं सोल्यूशन के बाद पर minus 5 है हम इसे क्या करेंगे प्लस फाइव यानी दोनों साइडों पर प्लस फाइव एड कर लेंगे फाइव को क्योंकि इधर माइनस फाइव था हमने इसे प्लस फाइव कर लेने है इस इधर भी फाइव एड कर लेने है और फिर अगर हम इक्वलिटी के एक साइड पे जो काम करते हैं जो नंबर प्लस करते हैं हमने दूसरी साइड पे ही प्लस करना है अगर कोई चीज माइनस करते हैं तो दूसरी साइड पे भी हमने माइनस करनी है टू एक्स प्लस नाइन लिखते हैं यहाँ पर हमने फाइव को एड किए तो तो एड़, एडिंग बोथ साइड बाय फाइव लिख सकते हैं हम यहाँ पर साइड पे लिख दें तो यहां पर क्या आ जाएगा ये माइनस फाइव प्लस फाइव से कट गया ये यह यहां पर रह गए सिक्स एक्स अब ये हो गया टू एक्स नाइन और फाइव यहां पर हमारे पास आ जाएगा फोर्टीन अब हमने क्या करना है हमने इस 2x को भी दूसरी साइड पे लेके जाना है एक सिंपल मेथड तो ये इसे हम डायरेक्ट उठा के लेंगे नहीं तो यहां पर प्लस टू एक्स है तो इसे हम माइनस टू एक्स से खत्म करेंगे और तो उधर भी माइनस टू एक्स ले जाएंगे इसी मेथड से करते हैं हम यहां पर टू एक्स है तो इसमें हम माइनस कर लेते हैं टू एक्स यहां पर आ जाएगा प्लस फोर्टीन उसी तरह से आ जाएगा इधर भी हम माइनस टू एक्स लिख लेंगे अब होगा इस तरह से कि ये वाला टू एक्स ये टू एक्सट जाएगा अगर आप ये वाला स्टेप बीच में ना भी करें तो टू एक्स को इधर इक्वलिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो माइनस टू एक्स हो जाएगा सिक्स माइनस टू तो यहाँ पर फोर एक्स इज इक्वल टू फोरटीन ये हमारे पास आ गया अब फोर एक्स इज इक्वल टू फोरटीन तो हमने क्या करना है इसके नीचे फोर को एक्स को अकेला करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इधर भी फोर को डिवाइड कर देंगे और इधर भी फोर को डिवाइड कर देंगे यहाँ साइड पे हम लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय फोर तो यहाँ पर फोर फोर से कट जाएगा ये टू के टेबल में कट रहे हैं टू सेवन जार फोरटीन टू टू जार फोर तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है सेवन बाई टू उसके बाद हम इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करके यानी एक्स की जगह पर इधर भी सेवन बाय टू डाल लें इधर भी सेवन बाई टू डाल लें तो हम इसकी वेरीफिकेशन भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो वेरीफाइड आंसर उन्होंने कहा है तो आप अगर करना चाहें तो कर लें तो यहाँ पर इसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जिस, जल्दी जितना हो सके आपको कम वक्त में समझा लूँ तो फिर अगर कोई इशू हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा यहाँ पर ये यह जो हमारे पास इसका चौथा पार्ट है वो है टू इन टू टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू जब इस तरह की क्वेश्चन आपके पास आ जाएँ तो ये सिंपल आपने इसे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेना है यहाँ पर सोल्यूशन आपने लिखना है सोल्यूशन लिखने के बाद आपने इसे क्या करना है उसी तरह से क्वेश्चन को उतारा यहां पर आपने क्या करना है एक्स माइनस वन से और टू को एक्स माइनस वन से यहां पर हमने क्या करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी टू जो है वो एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन इक्वल इज इक्वल टू वन जो है वो एक्स माइनस वन से वन को अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वही दोबारा वापस आ जाते हैं किस मल्टीप्लीकेशन uh, से कोई असर नहीं पड़ता यहां पर हमने टू को एक्स से मल्टीप्लाई किया टू वन टू अब उसके बाद एक्स माइनस वन यहां पर टू था सॉरी यहां पर x माइनस वन नहीं है बल्कि x माइनस टू है सॉरी यहाँ पर x माइनस टू है जब हम 2 को x माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x एक्स 2 तो टू टू यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 तो अब 2x एक्स माइनस और इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अब इस माइनस फोर को हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे इधर भी हम प्लस फोर यानी इसमें ऐड करेंगे फोर को और दूसरी साइड पे भी अगर हम इक्वलिटी के एक साइड पे जो काम कर रहे हैं वही हम दूसरी साइड पे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस फोर तो माइनस फोर और प्लस फोर यहाँ पर ख़त्म यानी जीरो की यहाँ पर हमारे पास बचता है टू एक्स इज इक्वल टू एक्स तो अब यहाँ पर देखें डिफरेंट साइन है सेम साइन होते हैं प्लस डिफरेंट साइन होते हैं माइनस लाइक साइन रूल अनलाइक साइन रूल तो यहाँ पर फोर में से वन गए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस थ्री ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर थ्री एक्स प्लस थ्री तो अब हमने क्या करना है इस एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाना है सिंपल हम या तो यहाँ पर भी माइनस एक्स कर लें तो नहीं तो डायरेक्ट भी उठा के ले जाएं तो कोई इशू नहीं है टू एक्स इधर भी आ जाएगा माइनस एक्स तो यहाँ पर एक्स के साथ माइनस एक्स प्लस थ्री यानी हमने क्या किया ये वाला एक्स इस एक्स के साथ ख़त्म कर दिया अगर आप डायरेक्ट भी ले जाएं तो कोई इशू नहीं है टू एक्स में से एक एक्स माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक्स एक्स इज इक्वल टू थ्री यह हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया उसके बाद अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें मैं यहाँ पर डायरेक्ट से आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन एक्स माइनस टू अगर हम x की जगह पे वैल्यू पोट कर लें एक्स की जगह वैल्यू डालते हैं थ्री माइनस वन और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी वैल्यू डालते हैं थ्री माइनस टू एक्स हमारे पास आए हैं थ्री यहाँ पर हमने क्या करना है इधर थ्री माइनस वन है तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा टू बाय टू तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वन बाय वन अगर हम इसको काटें तो ये वापस वन बाय वन यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये मैं इसके चार क्वेश्चन जो हैं पहले क्वेश्चन की चार पार्ट में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ इन ये जो आगे पांचों क्वेश्चन है ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है टेन को आपने एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर लेना टेन एक्स माइनस टेन फोर ज़ार फोर्टी इज इक्वल टू फोर टू ज़ार एट एक्स फोर को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर वन जार फोर और प्लस फाइव फिर कांस्टेंट नंबर उसी तरह से आपस में हल हो जाएंगे प्लस के माइनस हो जाएंगे आपने ये दोनों क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करनी अगर ना हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं इंशाल्लाह मैं वो भी उस पर भी वीडियो बना दूंगी इंशाल्लाह इसके सेकंड थर्ड जो अगले क्वेश्चन है उस पर फिर अपने अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक और शेयर करें आपका बहुत बहुत शुक्रिया